हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लाइव टेस्ट को। दोस्तों आज के लाइव टेस्ट में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और इन 100 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों डेली लाइव टेस्ट की वीडियो रात के 9 बजे चलती है, तो आप इस टाइम को नोट कर लीजिए और हर रोज़ लाइव टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज के टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल के टेस्ट से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है, पॉलिसी x.com के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। कल हमने ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 2019 में वो सारे मैंने कवर कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज की टेस्ट को, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सांसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसका सही आंसर रहेगा दादा भाई नेहरू जी। फटाफट मैं स्पीड के साथ में क्वेश्चन कवर कराऊंगा और आपको बस जल्दी से जल्दी आंसर बताने हैं। अगर आपको ये इस तरीके से स्पीड वाला ये टेस्ट बढ़िया लगे तो इसको लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था। सही आंसर रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के ध्वज को डिजाइन करने वाला व्यक्ति। तो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, पिंगली वेंकैया इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में किस यूरोपीय देश ने पूर्वी घाट पर कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी। दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल डच, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो सही आंसर इसका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था। सही आंसर, बिल्कुल सही, लाहौर अधिवेशन। और दोस्तों लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों व स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर क्या रहेगा, मैकाले मिंटो 1835। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी को घर पे बैठ के ही करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे SSC हो, चाहे UPSC हो, कोई भी एग्जाम। बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। और जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है उस ऐप में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए रेलवे एग्जाम सेलेक्ट किया, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, 3, 6 और 12 मंथ का आपने कोई भी प्लान सेलेक्ट किया, कंटिन्यू कर दिया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पे जहाँ पे लिखा होगा ना एंटर रेफरल कोड, यहाँ पे आपको सौरभ 11 लिखना है, SAURABH11, यानी कि सौरभ 11 और अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। जहाँ पे लिखा होगा ना एंटर रेफरल कोड, यहाँ पे सौरभ 11 लिखना है, अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। तो इससे आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा और प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। गाइज अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आती है इस कोर्स को परचेज करने में तो आप डायरेक्टली मेरे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8279711646। आप इस पर मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर किस तरीके से परचेज करना है, क्या परचेज करने का प्रोसेस क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्म को छांटिए, इनमें से एक गलत है वो आपको बताना है। दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रानी लक्ष्मीबाई। देखिए रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में इंदौर से नहीं बल्कि कहाँ से, झांसी से इनका इन्होंने नेतृत्व किया था, तो ये इंदौर गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे झांसी, बिल्कुल सही, बाकी ये तीनों लिखे हैं सही। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुकस जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वीर सावरकर। वेरी गुड गाइस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प्पा की नीति का पालन हुआ। सही आंसर रहेगा सतारा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। वेरी गुड गाइस। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर रहेगा दिनेश गुप्ता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पोस्ट स्टैंप का प्रचलन करने वाला गवर्नर जनरल था? पोस्ट स्टैंप का प्रचलन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड डेलोजी। ठीक है भाई, कई बार आता है क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था? तो सही आंसर रहेगा मूल शंकर। बहुत अच्छे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का जो जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी, तो सही आंसर ए रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर करते रहना भाई। ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार शेयर तो आप कर ही दीजिए, जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं सारे के सारे एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 19वीं सदी में भारत का पुनर्जागरण किस वर्ग से संबंधित था? पुनर्जागरण किस वर्ग से संबंधित था? इसका सही आंसर है मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपनिवेश काल में ब्रिटिश पूंजी निम्न में से किस क्षेत्र में निवेशित की जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र में। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 है, अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना थे तो क्या थे भाई? मोहम्मद अली जिन्ना था हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक, तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 17वीं सदी में पश्चिमी तट पर सर्वाधिक व्यापार करने वाले लोग थे? जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, पुर्तगाली। वेरी गुड, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का लोकनायक थे, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा, तो पहले का आपका हो गया तीसरा, दूसरे का पहला हो जाएगा तीन बंधु दादा भाई नेहरू जी, तीसरे का आपका हो जाएगा दूसरा लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, है ना? तो ये हो जाएगा, तो देख लीजिए पहले का तीसरा दूसरे का पहला, पहले का तीसरा दूसरे का पहला, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल सूबे में निर्गायत भूमिका निभाने लगी? सही आंसर रहेगा दोस्तों बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था, तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस संधि के माध्यम से पेशावर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था? सही आंसर रहेगा बसीन की संधि। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है, तो सही आंसर क्या रहेगा गाइस? बिल्कुल, असहयोग में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? सही आंसर रहेगा 1940 में लाहौर के अधिवेशन में। गांधी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो खालिस्तान किसने लिखा था? सही आंसर रहेगा नरसी मेहता ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लंदन में स्थित रॉयल्स सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे? सही आंसर रहेगा एससी वाडिया, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता सिद्ध है? सही आंसर रहेगा वांडी वासा का युद्ध, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया?
सही आंसर रहेगा महात्मा गांधी। वेरी गुड गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? सही आंसर रहेगा सूरत में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29, किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1930 को। क्वेश्चन नंबर 30 है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया? दोस्तों ये टेस्ट है, कुछ स्टूडेंट मुझे पता है यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर आप कुछ बता तो रहे नहीं एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो मैं आपको बता दूँ ये टेस्ट है। अगर आपने सारे वीडियोस पहले टॉपिक स्टडी पे देख रखी हैं, मैंने एक्सप्लेन अच्छे से की थी सारी की सारी, तो आप इनके फटाफट आंसर दे रहे होंगे। अगर नहीं देख रखी है तो आप आंसर देने में प्रॉब्लम करेंगे, तो ये टेस्ट है। यहाँ पे आप ये मत बोलेगा कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पहले बता दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या रहेगा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले ही पूछा था, इसका आंसर आप अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन खालिस्तान, यह वक्तव्य किसका है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू जी का, तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया था? सही आंसर क्या रहेगा, जे ए हिक्की ने, ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दोबारा से मैं 1-2 पे आ गया हूँ, ठीक है। अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरोध में चलाया गया था? सही आंसर भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी, तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, गुटूर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय को विधायिका में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया? सही आंसर क्या रहेगा ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस वर्ष नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1930 में गाइस, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था? सही आंसर रहेगा बिल्कुल वुड डिस्पैच रिपोर्ट के बाद, ठीक है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? 1946 में गाइस, तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1906 में। भारत के प्रथम वायसराय थे? तो सही आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सही आंसर रहेगा मुंडकोपनिषद। लाहौर रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी जब धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो धार्मिक राजधानी दोस्तों कहाँ थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। वेरी गुड गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में किस वायसरॉय को स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा, लॉर्ड रिपन। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सही आंसर क्या रहेगा? महात्मा गांधी ने दी थी दोस्तों, तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। सूची टू से मिलान करें, तो क्या करेंगे मिलान? लॉर्ड क्लाइव, बंगाल में द्वैध शासन इन्होंने ही लगाया था, लॉर्ड वेलजली, सहायक संधि, ठीक है ये हो जाएगा पहले से, लॉर्ड डेलोजी, हड़प्पा की नीति, और ये इनका सा हो जाएगा। तो देखिए कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, पहले का फोर्थ सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, निम्न में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? सही आंसर रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना की। तो इनमें से सभी की, वैसे मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं की गई थी, बाकी इन सभी की हत्या की गई थी। निम्न संधियों को सही क्रम से लगाइए, यानी कि पहले कौन सी फिर उसके बाद कौन सी, तो सही आंसर इसका कौन सा रहेगा? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले संधि हुई थी सलबाई की संधि, ठीक है, फिर आपकी होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो चौथा और तीसरा देख लीजिए किसमें है, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, बाकी आप दोनों देख सकते हैं। फिर ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी, दूसरी संधि तीसरे नंबर पे, जो पहली वो लास्ट में। चलिए, टीपू के काल में राजस्व, बिल्कुल, कौन एक कलेक्ट करता था? टीपू के सरकारी कर्मचारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, ठीक है। आजाद हिंद फौज मुकदमे से निम्न में से कौन संबंधित था? तो गाइस सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भुल्ला भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1882 में। निम्न में से किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन बी रहेगा, लॉर्ड मैकाले को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन गांधी जी से मिलने अफ्रीका गया था? सही आंसर रहेगा गोखले जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तौर पर, ठीक है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? किसे किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम को। किसने वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल की स्थापना की थी? ऑप्शन सी बिल्कुल, लोकमान्य तिलक इज द राइट आंसर। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा व कर अदा न करने की प्रेरणा किसने ली थी? ये है दोस्तों आपका, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा व कर अदा न करने की प्रेरणा किससे ली थी? बिल्कुल सही ऑप्शन ए रहेगा, थोरो से। नेक्स्ट हमारा है, वर्ष
1857 के विद्रोह की प्रकृति किस कथन के द्वारा सही बताई जा सकती है? बिल्कुल, ये पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। पुराने राजनीतिक ढांचे का सत्ता प्राप्त करने का अंतिम प्रयास। सही मिलान करें तो 30वें क्वेश्चन का सही मिलान कर दीजिए फटाफट। चलिए आप ये क्या करेंगे, ये सभी मिलान आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मिला के, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट, और हम दोबारा से फिर से स्टार्ट करते हैं 1 से क्वेश्चन से। मोतीलाल नेहरू वे चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? स्वराज पार्टी इसका सही आंसर है गाइस, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान द्वारा, ठीक है भाई। निम्न में से किस स्थान पर फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? चंद्रनगर सही आंसर रहेगा। गांधी ने खादी को किसका संकेत माना? तो गांधी ने खादी को किसका संकेत माना, इसका सही आंसर रहेगा आर्थिक स्वतंत्रता का। इंडिया विन फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आजाद की, तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, गांधी जी सत्य की अनुभूति करते थे? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अहिंसा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुस्लिम लीग के द्वारा किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया गया? तो सही आंसर क्या रहेगा गाइस, ऑप्शन बी, ठीक है, 16 अगस्त 1940 को। क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? काफी बार क्वेश्चन आ चुका है ये, 9 अगस्त 1942 में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। तो इसमें सही मिलान कैसे करोगे भाई? सबसे पहला, विनोबा भावे किस आंदोलन से संबंधित है? देखिए भूदान सही रहेगा, ठीक है, विनोबा भावे आपका भूदान से हो जाएंगे। मेधा पाठक बताइए जल्दी से, सॉरी पाटकर, मेधा पाटकर ये आपका सही रहेगा। नर्मदा बचाओ, बिल्कुल ये हो जाएगा इससे सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपको हो जाएगा चिपको आंदोलन, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल संपूर्ण क्रांति। तो पहले का आपका हो गया फोर्थ, दूसरे का आपका हो गया थर्ड, तो देख लीजिए फोर्थ थर्ड, ये आपका ऑप्शन बी लग रहा है भाई, ठीक है, तो ऑप्शन बी ही आप चूज करने वाले हैं, वेरी गुड। निम्न में से क्या सही सुमिलित नहीं है? आपको बताने इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सही आंसर रहेगा लॉर्ड कर्जन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, तो ये गलत है भाई। वर्नाकुलम प्रेसर जो एक्ट है ये लॉर्ड लिटन के काल में पास हुआ था, ठीक है, तो यही सही आंसर रहेगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन दल से रहित लोकतंत्र का समर्थक था? जयप्रकाश नारायण, वेरी गुड, जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए, स्वतंत्रता के पश्चात
किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी दोस्तों, सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा भाई, केरल में, ठीक है ना। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 का दिन किस कारण से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है? भारत का संविधान इसी दिन स्वीकार किया गया था, तो ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन बी, ठीक है, एओ ह्यूम को। सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विलियम बेंटिंक। किसने गांधी जी को महात्मा कहा था? ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? तो ये हो चुका है वैसे तो, सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया गया? लाहौर 1929। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक हैं? गांधी जी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? भविष्य के प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? भारत के बिस्मार्क, बिल्कुल ऑप्शन।